understand? Dhoni? No. Dhoni. Sir Shigav, घर से निकलने के बाद सबको किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बट आपकी जर्नी कैसी रही, उस बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, दो हफ्ते की काफ़ी अच्छी रही है, प्यारी रही है, फन रही है, थोड़ी मुश्किल रही है, मिक्स इमोशंस काफ़ी अच्छी रही है। सो बात करें घर में किसका गेम आपको अभी अच्छा लग रहा है? अभिषेक का, एडविज का, मनीषा का। सो पूजा कहीं ना कहीं और अविनाश कहीं ना कहीं इतना फेम में नहीं आ रहे, बट उनका गेम एंड तक जाते हुए दिख रहा है लोगों को, तो अभी तो फिलहाल टिकट टू फिनाले मिल गया है। बस अभी अविनाश को नहीं मिला, तो आई थिंक समय आ गया है उसका बाहर आने का, लग तो रहा है ऐसा ही। तो हाँ बस यही चल रहा है। तो बॉन्डिंग की बात करें, आपकी जर्ड के साथ किस तरह की बॉन्डिंग थी? कि हमें तो ऐसी कुछ खास बात नजर नहीं आई जर्ड के साथ। हाँ वो कभी अच्छी रही नहीं है हमारे बीच में, कॉन्वर्जेशन हमेशा सर अजीब सी रही है, कुछ ना कुछ बात पे उसको प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ भुगता रहता है। तो हाँ कैसे ठीक होगी बातें, बीच बीच में कभी कभार ठीक है बातचीत हो जाती थी, बट फिर घुमा फिरा के वो आ ही जाता था अपने पे। सबसे ज़्यादा आप किसको मिस कर रहे हो या क्या चीज़ को मिस कर रहे हो? सबसे ज़्यादा मैं अपने लोगों को मिस कर रही हूँ, नाग शक्ति को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आपकी और पूजा की बॉन्डिंग नहीं हो पाई, क्या रीज़न लगता है? बॉन्डिंग नहीं हो पा रही, पता नहीं, मतलब जितनी हमारी बात हुई है, गेस काफ़ी बात हुई है हमारी, हमने काफ़ी चीज़ों को लेके बात की है, हमने तो एक घंटा चल चल के बातें की है, जो उनको मेरे बारे में लगता था और जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, आई थिंक हमने काफ़ी टाइम बैठ के बात की है। तो ऐसा नहीं कि बॉन्ड नहीं बना, बनी है यार थोड़ी बहुत तो बनी है, बट फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बट फिर सॉर्ट भी हो गया है। स्टार्टिंग से अभिषेक जी थे, मतलब एक ट्रेंडिंग में चल रहे थे, मतलब टॉप कंटेंडर्स, जब से एल्विश जी आए मतलब एक अलग ही पूरा घर में एक अलग ही मचा है, तो क्या कहना चाहिए उनका गेम के बारे में? देखो अभिषेक फर्स्ट डे से काफ़ी अच्छा खेल रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेम रहा है उसका। अभी एल्विश भी आ गए हैं, उनका भी गेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दोनों का भाईचारा ऑन टॉप है, और अब अभिषेक और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, मतलब दोनों, मतलब अभी मस्त कंपटीशन होने वाला ऐसा लग रहा है, क्योंकि दोनों ही काफ़ी अपने अपने जगह पे स्ट्रांग है, एंड देखते क्या होता है यार। मैम आप और एलविस दोनों वाइकर एंट्री है जी, तो आपको क्या लगता है क्या कमी रह गई या क्या आपने एक्सप्रेस नहीं किया जिसकी वजह से आप? मैं ज़्यादा जल्दी खुल नहीं पाई, ये मेरी गलती है, गलती नहीं इसको ये कह सकते हैं कि शायद मुझे थोड़ा टाइम लगता है खुलने में, मैं इतनी जल्दी घुल मिल नहीं सकती, और हाँ कैसे ये चीज़ है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। बेबी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बेबी का कुछ नहीं यार, मतलब जितना बाहर से देखा था, जब अंदर गए तो काफ़ी शांत ठंडी हो चुकी थी, मतलब कुछ कर ही नहीं रही थी, मतलब कि बस अब हो गया उसका। फिर कभी बहुत ठंडा हो जाता है माहौल, तो फिर उसको सोचती है मैं क्या करूँ, फिर उसको एक नया मुद्दा ढूंढती है, फिर चालू हो जाती है। वो मोमेंट कैसा था जब एल्विश रो गया माँ को देख के, और जब सलमान खान ने वो टॉपिक को जो उठाया था, वो मोमेंट कैसा था? आई थिंक वो जो टॉपिक उठा और उसकी मम्मी से बात करवाई, वो बहुत इंस्टेंट था, और आई थिंक थोड़ा अजीब था कि उसी टाइम उसकी मॉम से बात करवाई, तो ऑब्वियसली किसी को भी रोना आएगा, एंड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब वो रोए, काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि वो हमेशा सबको हंसाते हैं, हंसाने वाले बंदे हैं, और जब वो रोए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ उनकी बात कहीं ना कहीं गलत थी, बट आई थिंक उनको सॉरी फील हो गया था, उन्होंने सॉरी बहुत बार बोला है, और अभी तक वो मना ही रहे हैं बेबिका को, तो उनकी तरफ से सारे एफर्ट्स दिख रहे हैं, गिल्टीनेस दिख रही है, तो आई थिंक दिस चैप्टर शुड बी क्लोज नाउ मैम। ऐसे कौन से लोग रहेंगे जिनके साथ आप बाहर भी अब बिग बॉस के बाहर बॉन्डिंग रखना चाहोगे, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे आप कभी भी नहीं मिलना चाहोगे? अभिषेक, मनीषा, एल्विश से मैं हमेशा बॉन्ड रखना चाहूँगी जब तक हम साथ रहते हैं, और जिनसे नहीं रखना चाहूँगी ऐसा नहीं रखना चाहूँगी, बट मे बी नहीं मिलेंगे, हम बातचीत नहीं करेंगे, टकरा गए तो टकरा गए, जाट तो चल देगा दुबई ठीक है
और जिया है, नहीं मिलना चाहूँगी, अविनाश है, हाँ ये लोग ही है, मतलब पूजा नाम और बेबिका से मेरी थोड़ी इन लोग से तो ज़्यादा ही बातचीत हुई है, तो हाँ मेरे साथ दोनों अच्छे रहे हैं, तो नो ग्रजेस। मैम रिसेंटली संभाल के उनके कमेंट्स, मतलब एल्विश आर्मी को लेकर कुछ कमेंट किए थे 500 रुपये ऐसा कुछ, तो उसके बारे में आपका क्या रहा? यार पहली चीज तो मुझे वो समझ ही नहीं आई थी कि तब क्या चल रहा था। फैंस जो है उनके उनके वजह से, मतलब YouTube वर्सेस बॉलीवुड हो गया है, तो इसके यार पता नहीं वो स्टेटमेंट मुझे ऐसा, मैं क्या बोलूँ उस चीज़ पे, मतलब सबके अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, सलमान सर को जो लगा उन्होंने वो चीज़ बोली, उसके आगे मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ भाई, नो कमेंट फॉर दैट। सलमान खान एज ए होस्ट मतलब किस तरह काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ऑब्वियसली थोड़े डिफरेंट है जो मूवी के सेट पे थे और यहाँ पे थे, क्योंकि वहाँ पे मैं उनकी वो एक्टर थी और यहाँ पे मैं उनकी कंटेस्टेंट थी, तो हाँ ऑब्वियसली काफ़ी डिफरेंट है। वो मुझे समझाए पहले हफ्ते में, थोड़ा सुनाया भी नहीं, मतलब समझाना ही था उनका मेनली, और दूसरे हफ्ते में तो कुछ गलती नहीं की थी मैंने, बट मे बी मेरे जाने का वक्त आ गया था इसलिए मुझे कुछ बोला नहीं, बट हाँ मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे बाय बोला काफ़ी प्यार से। अगर आपको एक दिन बिग बॉस बनने का चांस मिले तो कौन से ऐसे कंटेस्टेंट को ऐसे पनिश करना चाहोगे, तब कैसे टास्क के साथ, कुछ ऐसे सोचा है कि अगर आपको एक मौका मिलता है बिग बॉस बनने का और फिर आप ऐसा एक टास्क रखो जिसमें ऐसे कौन से कंटेस्टेंट्स होंगे जिनके साथ आप खेलना चाहोगे, आप खेलना चाहोगे मतलब टॉर्चर करने का? जैड और जिया दोनों को दोनों के साथ, दोनों ने बहुत परेशान किया यार जैड ने स्पेशली, तो आई थिंक हाँ वो लोग कभी जेल नहीं गए ना, उनको जेल भिजवाना चाहती हूँ मैं कि एक बार रह के देखो दो दिन तक। मैम जिस तरह से मनीषा के पीछे पूरा घर पड़ा है, तो पहले मतलब चुनबुल थी, अभी तो पूरा मास्टरमाइंड हो गई है, इसको भड़काना ये करना, आप क्या बोलना चाहते हो? यार भड़काती नहीं है यार, वो चुगलखोर है, चुगली भी किसी की हॉबी होती है, इसमें क्या बड़ी बात है यार। और देखो वो चुगली अभी भी है, पर आई थिंक बिग बॉस में आने के बाद इंसान बदलता है थोड़ा, तो जैसे मैं काम नहीं करती थी, मैं काम करना सीख गई हूँ, ठीक है, तो अगर मास्टर माइंड होगी तो उसमें क्या है भाई, क्या करने आई है वो, यहाँ पर चुलबुली से सिर्फ हंसाने नहीं आई ना, गेम भी तो खेलने आई है, तो वो करेगी, तो वो सीख गई तो बहुत अच्छी बात है, गेम जीतना चाहती है, उसमें कुछ गलत नहीं है, तो हर चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। मैम जिया और अभिषेक का जो कनेक्शन दिखा रहा बाहर लव स्टोरी टाइप, आपने अंदर से देखा क्या कहना चाहोगे उनके? अंदर से तो कभी मैंने देखा ही नहीं, मतलब ये सब कभी अंदर हुआ ही नहीं ना, अभिषेक ने इस बारे में बात की, हम चार तो बैठे रहते 24 घंटा साथ में, बट कभी उसने सब बातें नहीं की, पता नहीं क्या हो रहा सडनली चालू हो गया कुछ भी, तो मेरे सामने तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैं अभिषेक के साइड से कुछ नहीं इतना पता है। टॉप 3 में आप किस पे देखेंगे? अभिषेक, मनीषा, एल्विश। और कोई एक विनर को चूज करना? अरे एक को क्या चूज करना है यार, सबके अलग पर्सपेक्टिव अवॉर्ड करने के, जो भी जीतेगा। आपका पर्सनल कोई फेवरेट होगा कि अगर जीते तो यही जीते? मैं अभी तो आप बाहर हो, तो अंदर जो आपके 3 फेवरेट है उनमें से देखो यार, ट्रॉफी तो अपने पास ही आनी है, वो तो पता है अपने पास ही आने वाली है, तो कोई भी जीते यार एक ही बात है, किसी एक का नाम नहीं लूंगी मैं, तो नाग शक्ति। अरे नाग शक्ति की ही है ट्रॉफी, क्या बात है। लास्टली फैंस को क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, अब ये सपोर्ट मेरी नाग शक्ति को दो, और वो तो आप दे रहे हो मुझे पता है, एंड इतना ही प्यार देते रहो उनको, भी से ज्यादा दे दो। थैंक यू। थैंक यू।